यूके स्टडी वीज़ा की गल कर जा रहे हैं। हालांकि कुछ चेंजिस तो बाद स्टूडेंट मन में हूँ सवाल बहुत रूल्स चेंज हो रहे हैं, तो अगों जड़ा हूँ जनवरी तो कुछ खर्चे भी वधन जा रहे हैं स्टूडेंट्स के उपर। किस तरह के खर्चे ने, किस तरह की तैयारी रखन, केड़ी केड़ी प्रोफाइल वाले हैं, हर एक स्टूडेंट के उपर ये खर्चे वधन वाले ने, इस उपर आप गल जरूर करनी है। नाल दी नाल आपां जिहड़े स्टूडेंट्स इनटेक्स बारे जानना चाह रहे हैं, किहड़े इनटेक विच हले भी असी जल्दी तो जल्दी अपलाई करके वीज़ा ले लईए, किन्ने टाइम च साडा वीज़ा जरूर आ जाएगा, वेरीफिकेशनस नूं लैके जिहड़े तुहाडे सवाल ने, सो इन्हां तमाम सवालों के जवाब अज दी वीडियो दे जरिए तुहानूं मिलन जा रहे हैं। स्वागत है जी सारयां दा, मैं हाँ हरजोत कौर, और यूके स्टडी वीज़ा नूं लैके खास गल्लां खास पॉइंट तुहाडे नाल सांझे करन जा रहे हैं नेविगेटर्स ओवरसीज तो वीज़ा एक्सपर्ट मिसिज वीना गोयल मैम साडे नाल ने। बहुत बहुत स्वागत है मैम, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, नमस्कार सारे। सो मैम का तकरीबन 26-27 साल का एक्सपीरियंस, और इस यही एक्सपीरियंस एवें नहीं ही बनया, कई तरह की प्रोफाइल्स उपर काम किया गया, कई तरह का रिसर्च वर्क किया गया, कई तरह के प्रोग्राम लभे गए ताकि जिस भी तरह की प्रोफाइल का स्टूडेंट आया उसनों एक सही दिशा और फ्यूचर में सैटल करने लिए दिखाई जा सके। सो मैम अज जो आप यूके स्टडी वीज़ा की गल करते हैं, पहला तो जोड़े हूँ खर्चे इंश्योरेंस को लैके भी हूँ जोड़ा खर्चा वधन जा रहा है, स्टूडेंट के सवाल हैं कि हरेक प्रोफाइल के उपर ही यह खर्चा वधेगा या फिर कोई खास सिलेक्टिव प्रोफाइल्स उपर होगा, इस उपर क्लैरिटी दो, उस तो बाद जरूर केड़े इनटेक लिए स्टूडेंट अप्लाई करके जल्दी तो जल्दी अपना वीज़ा हासिल कर सकता है। देखो हजे हरजोत जड़ा है जैन इनटेक वास्ते जी बच्चा अप्लाई कर सकता है, राइट। हुण हर स्टूडेंट जड़ा है अप्लाई करना चाहता है कि खर्चा कुछ वधेगा, यूनिवर्सिटियां दी फीस 5-10% हर जगह वधदी है, बट यूके दी अरकी नहीं वधी। इंश्योरेंस दा थोड़ा बहुत है, देखो एम्बेसी फीसा इंश्योरेंस ए गवर्नमेंट पॉलिसीज है, नो बडी कैन स्टॉप दैम, राइट। तो ये जड़ा नो वी कैन नॉट हैल्प, थोड़ा बहुत ही वधदा है, बट इट इज़ नॉट गिविंग यू, मतलब कोई इन्ना ज़्यादा तुहाडी पॉकेट ते प्रेशर नहीं पै रहा। यूके दे विच वर्ल्ड दी आलमोस्ट जिहड़ी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं सारी यूके दे विच। हुण एक बच्चा एवरेज बच्चा जा रहा है, एक बच्चा जिहड़ा है जिहदे कोल एक बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है बट वो एक एक्सपोजर लेना चाहता है, राइट। तो यूके उहदे वास्ते भी है, 10-11 लाख च भी यूनिवर्सिटी है तुहाडे कोल, तुहाडे कोल 40 लाख दी भी यूनिवर्सिटी है, तुहाडे कोल 25 लाख दी भी यूनिवर्सिटी, हर बजट वास्ते यूनिवर्सिटी है। ऑन एन एवरेज 10-11 तो लैके 16-17 लाख तक बच्चों नूं मिल जाती है। आइल्स रिक्वायरमेंट या पीटी 59 ईच चाहिए, आइल्स 6 बैंड नॉट लैस दैन 5.5, सब्जेक्ट्स मास्टर्स जड़ी है जस्ट 1 ईयर दी, पूरे वर्ल्ड मैक्सिमम जगह मास्टर जड़ी है 2 ईयर्स की होंगी है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे US हो कैनेडा हो, बट इतने 1 ईयर की मास्टर्स है, तो यू आर गोइंग टू सेव योर 1 ईयर, तुसी अपना 1 साल बचा रहे हो, दैट मीनस 1 साल की फीस बचा रहे हो, 1 साल के लिविंग एक्सपेंसिस बचा रहे हो, राइट। तो तुसी अद्धा पैसा बचा लिया, 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है। हूँ आप कह रहे थे कि हूँ जोड़ा ऑस्ट्रेलिया सॉरी यूके ने स्पाउस वीज़ा बंद करता 1 जनवरी तो, बट कुछ प्रोग्राम्स इदा दे जोड़ा कि यूके दे विच स्पाउस वीज़ा है अलाउड, तो वह भी बंद नहीं होया, राइट। और जब बच्चा उदा का प्रोग्राम नहीं लगा जिद स्पाउस वीज़ा अलाउड है, तो वो 8 महीने पढ़ के 4 मंथ्स के 2 सेमेस्टर होंगे, 2 ईयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है, वो स्पाउस उन्होंने ज्वाइन कर सकता है। जब बच्चे दे हेल्थ दे प्रोग्राम है, नर्सिंग दे हो गए या हेल्थ तो रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम है, वो स्पाउस का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं जाता जब वर्क परमिट का बच्चा आ गया, तो ये प्लस पॉइंट है कि 2 ईयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, 1 ईयर की पढ़ाई, जब समझो 8 महीने का कोर्स कर लिया, स्पाउस जेड़ा 8 महीने के बाद ज्वाइन कर रहा है, दैट मीनस वो वर्क परमिट के उपर ज्वाइन कर रहा, उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस भी पे नहीं करना जब उन्होंने जॉब लग जाती है। तो ये काफ़ी सारे इदा के पॉइंट्स है जेडे कि बच्चे बहुत ही कंफर्टेबल बनाते हैं, राइट। यूके जेड़ा इंडिया तो सब तो नज़दीक आ जाता बाहर दी कंट्रियां च, फॉरन एक्सपोजर स्टूडेंट कहता कि मैं जाना कैनेडा, मैं जाना US, चलो उस तो पहले मैं एक फॉरन एक्सपोजर लेना घट फीस दे विच, फीस घट हो गई, स्टडी ड्यूरेशन घट हो गई, और जब तुम PR की भी फाइल लगानी है, तुहाडे मास्टर्स के पॉइंट हो गए, वो बाद तुहाडे जड़े भी पॉइंट काउंट होंगे है कैनेडा ऑस्ट्रेलिया के, दैट वो तो PR का प्रोसैस पूरा उस हिसाब न चलता है।
दिस इज़ वेरी गुड। और हजे भी जेडे फंड्स है बाकी कंट्रियां च अपन स्ट्रगल करना पैंदा, 3 months ओल्ड दो, 6 months ओल्ड दो, ये फंड्स भी जस्ट 28 days ओल्ड फंड चाहिए है। तो बच्चा भी बहुत इन्होंने लिया, और वीज़ा देने भी 4 साल हो गए, अच्छा वीज़ा दिता है यूके ने। हूँ जोड़े भी स्टूडेंट है कॉल करके मैंने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो उन्होंने कोई डाउट्स है किसी भी किस्म के, दे कैन आस्क मी। जी जी बिल्कुल। सो जो नंबर है लगातार इसलिए असं डिस्प्ले किया होंगे कि स्टूडेंट के कोई भी सवाल हो, क्योंकि हर एक प्रोफाइल डिफरेंट होंगी है, उस अकॉर्डिंगली किमें तुम्हें सही सिलेक्शन करनिया ने, एक चंगा कंसल्टेंट ही तुम्हें गाइड कर सकता है। सो मैम का तो 26-27 साल का एक्सपीरियंस है, कई तरह की प्रोफाइल्स मैम के हथों निकली, और मैम प्रोफाइल देखते सार डॉक्यूमेंट्स देखते ही दस देंगे ने कि इस स्टूडेंट को डिसीजन लेना चाहिए, किस पास वाल बढ़ना चाहिए, किस तरह के कोर्सेज लेने चाहिए ने, ताकि तुम अपने फ्यूचर को सही ढंग ब्राइट बना सको। सो कोई सवाल है मैं फिर कहूँगी जो नंबर डिस्प्लेज उपर कॉल करके तुम और जानकारी ले सकते हो। सो नेविगेटर्स ओवरसीज वालों सिर्फ एक कंट्री नहीं, ढेर सारी कंट्रीज ले जो है डील किया जाता है। सो इसलिए मैं ये गल कह जा रही हूँ कि 8 दिसंबर को यूरोप में लैके सैमीनार ऑर्गनाइज किया गया है नेविगेटर्स ओवरसीज वालों, 16 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा लैके सैमीनार ऑर्गनाइज किया गया है। जिन्हें भी इंट्रस्टिड स्टूडेंट्स ने जरूर इन सैमीनार का हिस्सा बन सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट जरूर लेके आयो ताकि असैसमेंट करके सही चीज़ा सही ऑप्शन सानू उत्थे पता चल सकन तुहाडी प्रोफाइल दे अकॉर्डिंगली। सो बहुत बहुत थैंक्स मैम, तुसी यूके बारे स्टूडेंट्स नूं ढेर सारी जानकारी दिती है, ते स्टूडेंट्स अपने सवाल साडे नाल कमेंट सैक्शन दे जरिए भी जरूर सांझे कर सकदे ने। अगों भी असीं तुहाडे लई होर इनफॉर्मेटिव वीडियोज़ लैके आंदे रहांगे, फिलहाल लई सानू दिओ जी इजाजत। थैंक यू सो मच। थैंक यू।